सम्मानजनक उन्होंने न बोलना कभी सीखा है, न किसी को सम्मान देना जानती। सारे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक सांसद पदाधिकारियों तक को उन्होंने अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया है, और बहुजन समाज पार्टी के गठन से लेकर के आज तक के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब सुश्री मायावती जी को घुटना टेकना पड़ा और स्वामी प्रसाद मौर्य के दबाव में आकर के वो इतनी घबराई हुई हैं कि उन्होंने निकाले गए विधायकों को भी विनती करके बुलवाया, उनकी निष्कासन रद्द कर वापसी की, उनका कटा हुआ टिकट वापस किया, यहां तक कि जिनसे जो उनसे पैसा ली थी वो भी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही स्टैंड है जिसके नाते सुश्री मायावती जी को आज घुटना टेकना पड़ा है। क्या आप मानते हैं कि मायावती खत्म? ये तो वक्त बताएगा। जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को टिकटों की नीलामी का बाजार बना दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के नाम पर मिशन को बेचने का काम किया जा रहा हो, मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या हो रही हो, तो स्वाभाविक रूप से जो भी समर्पित मिशनरी कार्यकर्ता हैं बारी बारी से छोड़ेंगे। अभी तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मेरे कदम उठाने के बाद पूरे प्रदेश और देश में कार्यकर्ताओं में जो जोश और खरोश है, आने वाला समय बताएगा कि वो पैदल हो जाएंगे। आज ये जो विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, आप विधायक दल की बैठक, इसको आप कैसे मानते हैं? आप लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, आज इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? आपके बगैर अभी कोई लीडर उन्होंने अनाउंस किया? ये जो भी बनाया है ये उनकी घबराहट है, हताशा है, निराशा है, और साथ ही साथ अपने खिसकते जनाधार की चिंता अब उनको नजर आई है। अगर शायद यही चिंता उनको पहले होती, यही समझ उनको पहले होती, और घुटना भी टेकना पड़ता और मुझको भी इस्तीफा नहीं देना पड़ा होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन और मानवर कांशीराम जी का ये कारवां बहुत आगे की ओर बढ़ता होता। लेकिन सब कुछ बंटाधार करने के बाद अब अगर अकल आई तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि का वर्षा जब कृषि सूखा में। जी तो अभी तो आज एक तो बड़े पैमाने पर विधायक गैर हाजिर रहे, जबकि मैंने अपने तमाम समर्थक विधायकों को भी आज की बैठक में जानबूझ करके भेजा, रणनीति के तहत भेजा हूं, क्योंकि जब तक मैं पत्ता नहीं खोलूंगा तब तक उनको वहां बने रहने का निर्देश है। वक्त आने पर मैं वो पत्ता खोलूंगा। ये जो बैठक हो रही है संवैधानिक बैठक है, आपने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है नए नेता विधानमंडल दल का बीएसपी के तो आपसे पूछा जाए, क्या आपने पत्र में लिखा, क्या मतलब संविधान क्या कहता है? संविधान तो यही कहता है कि बिना विधानमंडल के नेता के विधायकों की बैठक ये नहीं ले सकती है, एक चीज। दूसरी चीज, यह सामान्य व्यवहार में निभाया जाता है कि जब किसी विधायक के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई करनी होती तो उसमें नेता विधानमंडल की राय मांगी जाती है कि भाई ये विधायक का कार्य कैसा रहा, पार्टी के प्रति इसकी वफादारी में कहीं किसी प्रकार का प्रश्न तो नहीं है। लेकिन वो तो बेलगाम होकर के जैसे लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं चला रही है, ये तानाशाही चला रही है, और तानाशाही तरीके से, मनमाने तरीके से जब जिस भी विधायक को चाहा टिकट काट दिया, जब चाहा बाहर का रास्ता दिखाया। हद तो तब हो गई जब विधान परिषद राज्यसभा में वोट देने वाले ईमानदारी से विधायकों को भी टिकट काटा, बल्कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अच्छा हुआ अकल ठिकाने पे आई और मेरे इस्तीफे ने इनको मजबूर कर दिया आज घुटना टेकने के लिए, उन विधायकों को वापस बुलाया, टिकट बहाल किया और निष्कासन रद्द कर फिर से वापसी सुनिश्चित की। मैं आगे की रणनीति का खुलासा समय समय पर करता रहूंगा, क्योंकि मैं घड़ा मुर्दा उखाड़ने में बहुत विश्वास नहीं करता हूं। जब हमको लंबी लाइन खींचनी है तो मुझे छोटी लाइन की चिंता नहीं है, इसलिए अगली रणनीति क्या होगी उसको भी थोड़ा इंतजार। वो ये कह रही है कि मौर्य शाह के सैनी कुशवाहा समाज हमारे साथ है, स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ तो। मैं कह रहा हूं कि ना केवल शाह के सैनी कुशवाहा मौर्य, बल्कि पूरे पिछड़े वर्ग के लोग, और यहां तक कि मिशन बाबा साहब के मिशन पर चलने वाले मानवर कांशीराम के सिपाही, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग,
मेरे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि सर्व समाज के लोग भी, बुद्धिजीवी समाज भी, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यों से छुप था, उनकी भी लाखों लाख बधाइयां आ रही हैं, शुभकामनाएं आ रहे हैं, आगे बढ़ने का उनका विश्वास आ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से मेरे अगले कदम का खुलासा होते ही इनकी जो धरती बची हुई है, जो जानाधार थोड़ा बड़ा बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा और ये चुपचाप केवल पैसा ही गिनती रहेंगी, राजनीति करना बंद कर देंगे। बहन जी ने ये भी कहा कि बीएसपी से जो भी लोग गए ना, और ये एग्जांपल भी है कि जो बीएसपी से लोग गए उनका राजनीति करने खत्म। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हालात है। और राजनीति क्या होती है, इनको राजना और कराना दूंगा। अभी तो मानवसी राम जी की पाई थी, मानवर कांसीराम जी के खून पसीने मेहनत मशक्कत की कमाई खा रही थी, लेकिन जब वो मानवर कांसीराम जी के मेहनत मशक्कत खून पसीने को इन्होंने मजाक बना दिया है, उनके विचारों की हत्या कर दिया है, बाबा साहब के मिशन को बेचने का गंदा खेल कर दिया है, तो ऐसी हालात में अब इनको वैचारिक राजनीति कैसे की जाती है, राजनीति का डंडा कैसे चलता है, अब इनको समझ में आएगा। अभी तक तो केवल एक तानाशाही रास्ते पर चल रही थी। हमें तो आज भी खुशी होगी अगर इनको सद्बुद्धि आ जाए और सभी गलत कामों से विरत होकर के शुद्ध रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानव कांसीराम जी के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, शारीरिक रूप से गलती माने तो शायद हो सकता है इनको जीवनदान मिल सके, अन्यथा यह अपनी जनधार को अब बचाने में कामयाब नहीं। जी, कल आप दिल्ली में थे, खबर ये छप आ रही है कि आप बीजेपी के कुछ नेताओं से मिले, क्या कोई मुलाकात हुई या नहीं हुई? जो हवा हवाई मीडिया की खबरें हैं उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। तो आपको बता दें कि मायावती ने तीखे हमले बोले थे स्वामी प्रसाद मौर्य पर, और ठीक उन्हीं हमलों का जवाब दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने साफ तौर पर मायावती पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने बोला कि अब मैंने जब बीएसपी छोड़ दी है तो उसके बाद जो दलित समाज है वो मेरे साथ ही आएगा। उन्होंने कहा कि आज जो विधायकों की बैठक हुई उसमें भी मेरे कई विधायक वहां उस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैं रणनीति का खुलासा करूंगा, क्योंकि एक लंबी दूरी तय करनी है, लंबी लाइन खींचनी है, और ऐसे में सोच समझकर पूरी रणनीति तैयार करनी होगी। यानी कि अभी भी उन्होंने अपने पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन साफ तौर पर मायावती पर उन्होंने हमलों के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि काशीराम के विचारों की मायावती की तरफ से हत्या की गई, पार्टी में वो एक तानाशाह की तरह रोल निभाती हैं, टिकट बेचने का भी उन पर आरोप लगाया गया, और ऐसे में तीखे हमलों का जवाब दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो मायावती सिर्फ अपनी तिजोरी भर रही हैं, इस तरीके का आरोप लगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। दलित समाज बीएसपी को छोड़कर हमारे साथ आएगा, ये भी कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो आज मायावती ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, और इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे भी कई विधायक उस बैठक में मौजूद थे। और इससे पहले मायावती ने किस तरीके से अटैक किया वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये विभिन्न दलों को छोड़कर आया है, इसका मुंह उसका ना तो अपने समाज से कोई लेना देना है, ना बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट से लेना देना है, ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मिशन से कोई लेना देना है। ये केवल हवाई बात करता है, चिल्ला चिल्ला कर हवाई बात करके उसकी आड़ में ये केवल राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है, और वो भी केवल समाज के लिए उठाए तो अच्छी बात है, लेकिन अपने समाज के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए आवाज उठाता है। तो केवल अपने परिवार के स्वार्थ में लिए के लिए बोलता है। मैं समझती हूँ कि समाज इसको कभी भी माफ नहीं करेगा, और जब से इसने पार्टी छोड़ी है, हमारे पार्टी कार्यालय में हमारे जो जोन के लोग हैं या पार्टी के जिम्मेवार लोग हैं, तो दिन और रात इतने टेलीफोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया कि गद्दार आदमी निकल गया, अपने आप ही चला गया, इसने समाज के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीएसपी को छोड़कर जो भी जाता है वो अकेला जाता है, उसका समाज नहीं जाता है उसके साथ में, और कुछ समय के बाद फिर वो खुर्द बुर्द हो जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता। बहुत से लोग तो फिर बाद में आते हैं, साल दो साल के बाद, बहन जी माफ कर दो,
बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अपने समाज के जो गद्दार लोग हैं, पार्टी के साथ साथ अपने समाज के भी गद्दार लोग हैं, तो इस जो परिवारवाद में विश्वास रखते हैं, इस किस्म के लोगों को हमारी पार्टी में आगे कभी भी ना माफ किया जाएगा और ना इनको वापसी दोबारा से इनकी एंट्री होगी। ये मैं आप लोगों को आज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। सम्मानजनक उन्होंने ना बोलना कभी सीखा है, ना किसी को सम्मान देना जानती। सारे कार्यकर्ता से लेकर के विधायक सांसद पदाधिकारियों तक को उन्होंने अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया है, और बहुजन समाज पार्टी के गठन से लेकर के आज तक के इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब सुश्री मायावती जी को घुटना टेकना पड़ा और स्वामी प्रसाद मौर्य के दबाव में आकर के वो इतनी घबराई हुई हैं कि उन्होंने निकाले गए विधायकों को भी विनती करके बुलवाया, उनकी निष्कासन रद्द कर वापसी की, उनका कटा हुआ टिकट वापस किया, यहां तक कि जिनसे जो उनसे पैसा ली थी वो भी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का ही स्टैंड है जिसके नाते सुश्री मायावती जी को आज घुटना टेकना पड़ा है। ये तो वक्त बताएगा। जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को टिकटों की नीलामी का बाजार बना दिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के नाम पर मिशन को बेचने का काम किया जा रहा हो, मानवर कांशी राम जी के विचारों की हत्या हो रही हो, तो स्वाभाविक रूप से जो भी समर्पित मिशनरी कार्यकर्ता हैं बारी बारी से छोड़ेंगे। अभी तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मेरे कदम उठाने के बाद पूरे प्रदेश और देश में कार्यकर्ताओं में जो जोश और खरोश है, आने वाला समय बताएगा कि वो पैदल हो जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक तिवारी हमारे से जुड़ गए हैं। विवेक, यूपी की राजनीति अब तो खुली जंग यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जिस अंदाज में मायावती ने अटैक किया स्वामी प्रसाद मौर्य में, ठीक उसी तरीके का जवाब दिया उसी लहजे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी। जी हाँ, बिल्कुल उसी लहजे में जवाब दिया, उसी भाषा में जवाब दिया, और ये कहा है कि हमारे स्टैंड से मायावती की अकल ठिकाने आ गई, और जो स्टैंड हमने लिया है उसके बाद मायावती ने पहली बार जिंदगी में अपनी सियासी करियर में घुटने टेके हैं, और न केवल निष्कासित विधायकों को वापस लिया है बल्कि उनके पैसे भी वापस किए हैं और उनका जो टिकट काटा था वो भी बहाल कर दिया। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहना कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मायावती जो ये कह रही है कि समाज उनके साथ है, उन्होंने कहा कि सिर्फ शाह के मौर्य समाज ही नहीं, पूरा सर्व समाज उनके साथ है, दलित उनके साथ है, अल्पसंख्यक उनके साथ हैं, और वो 1 जुलाई को रणनीति का ऐलान करेंगे। आज की जो बैठक मायावती ने विधानमंडल दल की करी है उसको भी उन्होंने असंवैधानिक बताया है, और उन्होंने कहा है कि नेता अगर विधानमंडल दल का नेता ही बैठक में मौजूद नहीं है तो फिर बैठक काहे की होती है। तो इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं और ये कहा है कि मायावती को मैं सियासत करना सिखा दूंगा, अभी तक वो सिर्फ पैसे बटोरने का काम कर रही है, लेकिन मैं उनको दिखाऊंगा कि सियासत क्या होती है और कैसे की जाती है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन हमने दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, साफ तौर पर कह सकते हैं कि दलित वोटों पर ही दोनों की नजरें थी, क्योंकि मायावती भी ये कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो उसके साथ पूरा समाज नहीं जाता है, और इसी तरीके से ठीक जवाब दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य भी। देखिए, अब ये लड़ाई जो है ये वोटों की है, समाज की लड़ाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी समाज के बड़े नेता हैं, जाहिर बात है कि उनका समाज उनके साथ था जब तक बीएसपी में थे, अब वो समाज उनके साथ है या नहीं है उस समाज पर दोनों ही मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कौन किसके साथ कितना है ये तो खैर बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी लड़ाई वोटों की आ गई है, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मायावती उस समाज को अपने पाले में कह रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि वो समाज उनके साथ है, समाज किसके साथ है वही तय करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मायावती ने तीखे हमले बोले थे स्वामी प्रसाद मौर्य पर, और ठीक उसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उसी लहजे में उसी अंदाज में मायावती को जवाब दिया।